पाकिस्तान में तो बड़ी उथल पुथल करवा दी आपने। हाँ यार उथल पुथल, लेकिन बड़ी आपने उथल मुझे पुथल। याद है एक महीना पहले यहीं पर इसी मंच पर बोला था, और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपको इम्कानात कैसे पता थे कि ऐसा होगा। बट इतना मैं बता दूं आपको, इमरान खान की सपोर्ट तो भाई कॉमन बंदा बहुत कर रहा है वहां पे। आई डोंट भाई नो वहां पे हालात क्या है, आप कहीं पर भी जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम अभी इंग्लैंड गए, या कहीं पे भी जाते हैं, आई मीट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, भाई एक भी ऐसा नहीं है जिसने इमरान खान, सबने कहा यार यही था बंदा, अंडरडॉग है ना यही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्टिक। दोस्तों हाईलाइट्स आपने देख ली हैं, चंद सेकंड्स के बाद फुल वीडियो की जानिब चलेंगे। पाकिस्तान चेयरमैन कमेटी सजन सेठी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में बहुत ही हलचल है। इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तान के इस मौजूदा हालात और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन कमेटी नजम सेठी के इस्तीफा देने के बाद अपनी राय का इजहार किया है। नजम सेठी इस इस्तीफे के बाद विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया क्या कहता है और पाकिस्तान हालात के बारे में वो क्या कह रहे हैं, खुद इंडियन मीडिया की जुबान नहीं सुनी। मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कि पाकिस्तान में तो बड़ी उथल पुथल करवा दी आपने। हाँ यार उथल पुथल, लेकिन आपने मुझे याद है एक महीना पहले यहीं पर इसी मंच पर बोला था, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको इम्कानात कैसे पता थे कि ऐसा होगा। ये सबको पता था एक्चुअली पाकिस्तान में, आई थिंक किसी ने बोली नहीं ये बात, बट वहाँ पे ये इनफैक्ट आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन से, वो लंदन में बैठे हुए थे, हमसे उनसे पूछा भी था, क्योंकि वहाँ पे तो भाई ऑलमोस्ट ऐसी राइट्स वाली सिचुएशन हो गई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि जो ज़्यादातर जो रईस हैं पाकिस्तान के वो इंग्लैंड चले गए हैं जस्ट टू बी सेफ, बट उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग थी। आई थिंक वहाँ पे ना वो मीटिंग जो थी उनकी इसीलिए थी क्योंकि उनको उस वक्त नवाज शरीफ से मिलना था, क्योंकि नवाज शरीफ के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो अभी वहाँ के वजीर आजम हैं और वहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट है। अभी आप सितंबर में अक्टूबर में इलेक्शन है, लेकिन पीपल पार्टी की बारी है वही और, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता ना सितंबर अक्टूबर में तो इलेक्शन है, तो आपको एक और पीसीबी चेयरमैन नहीं। अब दिक्कत ये है, मैं देख रहा हूँ आज पाकिस्तानी मीडिया को भी, देखो ये लोग अब नजम सेठी साहब के कार्यकाल को सक्सेस देखेंगे, फेलियर देखेंगे, भाई उन्होंने बहुत कुछ बोला। अब हाइब्रिड मॉडल हो रहा है जो भी है, भले उनको पाकिस्तान में चार मैच मिल रहे हैं, जीरो से चार मैच मिल रहे हैं, तो लोग उसको फेलियर मानेंगे या सक्सेस मानेंगे? मैं तो सक्सेस मानूंगा, सक्सेस मानेंगे। अब उन्होंने वर्ल्ड कप का भी कहा था, क्या अब तो वो हट गए, अब जाका अशरफ आ रहे हैं। बड़ा अच्छा जाका अशरफ, बाय द वे बीसीसीआई के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, एंड ही यूज टू कम टू इंडिया वेरी ऑफन, तब बीसीसीआई और पीसीबी के रिलेशन अच्छे थे। इनफैक्ट जब लास्ट इनका दौरा हुआ था यहाँ पे 2012 में, जब ये 6 मैच खेल के गए थे, तो ही वॉज द प्रेसिडेंट, जाका अशरफ वही थे चेयरमैन थे उनके वहां के, और उन्हीं के उसमें हुआ था टेन्योर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक एमओयू करके एक चिड़िया थी, तो क्या हुआ था कि दे हैड अग्रीड एंड दे क्लेम दे हैड अग्रीड कि जी इंडिया भी जाएगा, लेकिन जब जाका अशरफ साहब चले गए और फिर अगले आए आई थिंक शारियार खान आए, तो ये एमओयू को लेके बड़ा हुआ था कि जी हम बीसीसीआई को कोर्ट ले जाएंगे, जहां पर ये लेकर भी गए और इनको बहुत पैसा देना पड़ा, क्योंकि भाई एमओयू क्या है, एमओयू कहां पर साइन हुआ, वो सारी बात नहीं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब जाका अशरफ आएंगे तो उनका स्टांस क्या है, बिकॉज जब आपने एशिया कप ये अग्री कर लिया हाइब्रिड मॉडल होगा, तो कई ऐसे अलाउंसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब ने वो माने होंगे, जैसे ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर को कितना कॉम्पनसेशन करोगे, उसको एक जगह की बजाय 2 टेंट लगा देंगे, भाई उसको पहले पाकिस्तान में टेंट लगा और फिर उसको टेंट लेके जाना है श्रीलंका में, तो वो क्या अग्री अपॉन हुआ है रेवेन्यू और वो रेवेन्यू शेयरिंग गेट मनी, तो वो सारी चीजें अब फिर से खुलनी शुरू हो जाएंगी। बट किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, किसी भी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए ये अच्छा नहीं होता है कि आप रमीज राजा थे अभी दिसंबर में, उसके बाद ये अपना 6-7 महीने में इनका भी थैंक यू हो गया, हालांकि इनको केयर टेकर ही बनाया गया, इनको ये प्रीमियर बनाया गया था इलेक्शन के लिए। लेकिन सर जब वहाँ पे सरकार ही नहीं है स्थिर, एटलीस्ट इतनी सारी चीज चल रही है, तो क्रिकेट में कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी? बट सरकार तो है कहीं, बट इलेक्शन जो हाँ अक्टूबर वही ना इलेक्शन भी हुए हैं, इमरान खान पे ऊपर घोटाले की जांच बदलेंगे चेयरमैन, बिल्कुल घोटाले की भी चल रही है जांच, पब्लिक हो रहे नहीं, जो इमरान खान पे थे वो जो उन पे इल्जाम थे और वो पब्लिक का जो वहाँ पे रहता है। बट इतना मैं बता दूं आपको, इमरान खान की सपोर्ट तो भाई कॉमन बंदा बहुत कर रहा है वहाँ पे, वहाँ पे हालात क्या है,
आप कहीं पर भी जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम अभी इंग्लैंड गए या कहीं पर भी जाते हैं, आई मीट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, भाई एक भी ऐसा नहीं है जिसने इमरान खान, सबने कहा यार यही था बंदा, अंडरडॉग है ना, यही था बंदा, यही था बंदा, एंड दे हैड हाई होप्स फ्रॉम इमरान खान, लेकिन अभी भी मतलब उनकी परसेप्शन जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं जिनको मतलब मैं मिला हूं, तो एवरीबॉडी सेइंग कि जी इमरान कहते हैं ना सर कि आर्मी से उन्होंने खुल के बगावत कर दी जो अब तक कोई कर नहीं पाया था, और एक बात वहां पे मिलिट्री और आप आर्मी से कर सकते, लेकिन बड़ा बैर लेके आप लाया तो नहीं कर सकते, हिलाया है, इम्पॉसिबल है वैसे, मतलब जो इमरान खान अब तभी तो, अब देखिए इलेक्शंस करने को ही आज भी कर सकते थे, पीछे दो महीने पहले भी कर सकते थे इलेक्शन अगर करना चाहते, नहीं किया ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान की